1300 करोड़। हाँ, सुनने में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, बट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली गूगल पे ये फाइन लगाया है 1300 करोड़ का। और वो पता है क्यों लगाया है? क्योंकि गूगल ने अभी रिसेंटली 2005 के आसपास एंड्रॉइड डिवाइसेस में जो ओएस लगता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है, उसको अक्वायर किया था। अब इसका फायदा क्या होगा कि जब भी कोई एंड्रॉइड डिवाइस अपन खरीदते हैं तो उसमें ऑलरेडी प्ले स्टोर, गूगल सर्च, यूट्यूब जैसे चैनल्स इनबिल्ट एप्लीकेशन के फॉर्म में होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम से ये एप्लीकेशन चलती है। सो गूगल अपनी पोजीशन डोमिनेट कर रहा था हमारे मार्केट में, स्पेशली मोबाइल डिवाइसेस के मार्केट में, जो कि एंड्रॉयड यूजर कहीं ना कहीं भुगत रहे थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि यार तुम गलत कर रहे हो, ये तो नहीं चलेगा, बिकॉज एंड्रॉयड यूजर को कोई और ऑप्शन ही नहीं मिलता, गूगल सर्च है तो गूगल ही, सफारी फायरफॉक्स तक नहीं जाना। और यही लॉ को हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन लॉ। कॉम्पिटिशन लॉ इज बेसिकली एक बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन जो कि इंश्योर करती है कि मार्केट में किसी भी तरीके की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस नहीं हो रही। यूरोपियन और यूएस लॉज में इसे एंटी ट्रस्ट भी बोलते हैं। अब आपको लग रहा होगा ना कि यार ये क्यों कॉम्पिटिशन के बारे में इतना बता रही है। सबसे पहले इंट्रो देखो, फिर समझाती हूँ। हम लोग लॉ कॉलेज में एक बहुत लिमिटेड स्ट्रक्चर पे ही काम करते हैं। या तो क्रिमिनल लॉ में चले जाओगे, सिविल लॉ में चले जाओगे, या ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट लॉ। पर उस कॉर्पोरेट लॉ में भी, कंपनीज लॉ में भी इतने सारे बाइफरकेशन होते हैं, इतने सारे एक्सपर्टीज होते हैं, स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जो हम कभी भी देखते ही नहीं हैं। कॉम्पिटिशन लॉ ऐसा ही एक एक्सपर्ट लॉ फील्ड है, स्पेशलाइज लॉ फील्ड है। अब कॉम्पिटिशन लॉ में आप कैसे जा सकते हो या उसमें करियर ऑप्शन क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझो। आप किसी भी लॉ फर्म में एज अ लॉयर कॉपरेट जा सकते हो कॉम्पिटिशन लॉ टीम के अंदर। कुछ रेनाउंड फर्म्स जो इसमें काम कर रही हैं वो टॉप 5 हैं, खैतान, लूथरा, ट्राई लीगल, सिरिल अमरचंद मंगलदास एंड शार्दुल अमरचंद मंगलदास। ये कुछ फर्म्स हैं जिनकी कॉम्पिटिशन लॉ टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो फर्स्ट, आप इन लॉ फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंड, आप खुद की कॉम्पिटिशन लॉ प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड, आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो जो कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ही हायर करती है। यस, CCI हायर करती है रिसर्च एसोसिएट्स को, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हो। फोर्थ, आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो कॉम्पिटिशन लॉ की। एंड लास्टली, आप पॉलिसी रिसर्च में भी जा सकते हो जो थिंक टैंक्स को चाहिए होती है। जैसे अगर आपने कर्ट्स का नाम सुना होगा, ठीक है, इसी तरीके की बहुत सारी रिसर्च फील्ड्स हैं, रिसर्च थिंक टैंक्स हैं, जिनमें आप पॉलिसी रिसर्चर भी बन सकते हो। सो कॉम्पिटिशन में इतने सारे वाइब्रेंट करियर ऑप्शंस हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कॉम्पिटिशन लॉ में जॉब नहीं करनी पर मुझे अकेडमिक्स में जाना है, तो आप मास्टर्स भी कॉम्पिटिशन लॉ में कर सकते हो अपने BA LLB 5-year लॉ के बाद। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज जो कि इस तरीके के मास्टर्स देती हैं, वो बस ये एक डिस्क्लेमर है कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो इंटरनेशनली अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, इसके अलावा लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, किंग्स कॉलेज लंडन एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ एंड क्वींस मैरी लंडन एज वेल। सो दीज आर द टॉप 5 यूनिवर्सिटी जो कॉम्पिटिशन लॉ में मास्टर्स कराती है। इंडिया में अभी तक मास्टर्स का स्कोप नहीं है, बट हाँ, अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज करने हैं या कोई शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज करने हैं, तो आप वो कॉम्पिटिशन लॉ में कर सकते हो, ताकि आपको एक स्टैंड अप मिल जाए स्पेशलाइजेशन में और आगे जाके आप किसी भी फर्म्स में अप्लाई कर सको। तो थोड़ा ब्रॉड सोचो और क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ से ऊपर उठ के अपने LELS बड़ी की बात सुनो और शायद कॉम्पिटिशन फील्ड में अपना करियर बनाओ। ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।